हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज सेंटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बजट 2023-24। बजट एक ऐसा टॉपिक है जिससे मोस्टली एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बजट से रिलेटेड, फिर इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, द टर्म बजट इज़ नॉट मैंशनड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो बजट शब्द है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मैंशन नहीं किया गया है। संविधान में इसको क्या लिखा गया है, तो संविधान में इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा गया है। और ये कौन से आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 112 में। और कहाँ प्रेजेंट किया जाता है ये, तो ये संसद में प्रेजेंट किया जाता है। और कब किया जाता है, तो ये 1 फरवरी को हर साल पेश किया जाता है। और सबसे पहले किसने पेश किया था ये, तो ये किया था सबसे पहले आर के शणमुगम चेट्टी, जो कि भारत के पहले वित्त मंत्री थे। और इसको कौन बनाता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड द फाइनेंस मिनिस्ट्री। और इसको पेश कौन करता है हर साल, तो इसको पेश किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी वित्त मंत्री के द्वारा। अब देखते हैं लॉन्गेस्ट स्पीच इन टर्म्स ऑफ टाइम और इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स। तो समय के संदर्भ में सबसे लंबी स्पीच निर्मला सीतारमण ने दी है, जो कि 2 घंटे 42 मिनट की थी। और शब्दों के संदर्भ में सबसे बड़ी स्पीच बजट स्पीच हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दी है, जो कि 18,650 वर्ड्स की थी सन 1991 में। आगे देखते हैं विज़न फॉर अमृतकाल। विज़न फॉर अमृतकाल है क्या, तो ये है सरकार का जो लक्ष्य है कि 100 साल हों, यानी आज़ादी के 100 साल हों 2047 में, तब तक हम एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएं। और इसके लिए जो विज़न है वो 3 तरीके से बताए गए हैं। तो पहला पॉइंट है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सिटीजन्स विद फोकस ऑन द यूथ, यानी युवाओं को हम क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं। दूसरा है ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, यानी विकास और रोजगार सृजन। तीसरा पॉइंट है स्ट्रॉन्ग एंड मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो ये 3 पॉइंट को नज़र में रखकर हमें कार्य करना है, जिससे कि 2047 तक सरकार के जो भी लक्ष्य हैं वो पूरे किए जा सकें। फिर आगे निर्मला सीतारमण जी ने बताया कि ये जो बजट निकाला गया है इसमें सरकार की 7 प्रायोरिटीज़ हैं, जिनको सप्तऋषि बोला गया है। तो पहली है रीचिंग द लास्ट माइल, यानी सबसे आखिरी जो व्यक्ति है उन तक हम अपनी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्कीम्स होती हैं उनका बेनिफिट वहाँ तक पहुँचा सकें। दूसरी यूथ पावर, यानी युवा शक्ति को वहाँ पे। तीसरा फाइनेंशियल सेक्टर पर ध्यान दें। चौथी फिर है ग्रीन ग्रोथ। और फिर है अनलीशिंग द पोटेंशियल, यानी भारत में जो पोटेंशियल है उसको बाहर निकालें। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, इन पर ध्यान दिया जाए। और फिर है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो ये 7 प्रायोरिटीज़ रहेंगी भारत सरकार की। अब इन 7 प्रायोरिटीज़ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं। तो पहली प्रायोरिटी है रीचिंग द लास्ट माइल। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द आउटले फॉर पीएम आवास योजना इज़ बीइंग एनहेंस्ड बाय 10%। तो पीएम आवास योजना में जो भी फंड दिया जाएगा वो कितने परसेंट इंक्रीज़ किया गया है, तो इंक्रीज़ किया गया है 66%, यानी 66%। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, तो ये 79,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, तो गवर्नमेंट विल लॉन्च पीएम पीबीटीजी प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ। तो ये पीएम पीबीटीजी प्रोग्राम जो लॉन्च किया जाएगा सरकार द्वारा, ये किसके विकास के लिए किया जाएगा, तो ये किया जाएगा ट्राइबल ग्रुप्स के लिए। तो पीएम पीबीटीजी की फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। और इसके लिए टोटल आउटले कितना है, तो इसके लिए 15,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। सरकार की जो 7 प्रायोरिटीज़ हैं उनमें से हम पहली देखते हैं रीचिंग द लास्ट माइल, इसको डिटेल में। तो प्रधानमंत्री पीबीटीजी डेवलपमेंट मिशन टू बी लॉन्च, जो हमने अभी डिस्कस कर ही लिया। फिर है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर सस्टेनेबल माइक्रो इरीगेशन इन ड्रॉट प्रोन रीजन्स ऑफ कर्नाटक, यानी कर्नाटक के वो क्षेत्र जो अकाल से प्रभावित हैं उनमें वित्तीय सहायता दी जाएगी। और फिर है 38,800 मोर टीचर्स फॉर 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, यानी एकलव्य मॉडल बेस्ड जो भी स्कूल्स हैं 740, इनमें नए 38,800 टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी। फिर है फ्री फूड ग्रेन टू ऑल अंत्योदय एंड प्रायोरिटी हाउसहोल्ड्स फॉर 1 ईयर अंडर PMGKAY, यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अंत्योदय योजना के तहत 1 साल के लिए मुफ्त राशन दिया जाएगा। फिर भारत श्री टू बी सेटअप फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ एंशियंट इंस्क्रिप्शंस, यानी एंशियंट इंस्क्रिप्शंस के लिए भारत श्री योजना के तहत डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। और फिर आउटले ऑफ पीएम आवास योजना इनहेंस्ड बाई 66%, पीएम आवास योजना के लिए 66% फंड की वृद्धि की गई है, जो भी हमने हाल में देखा। गवर्नमेंट की 7 प्रायोरिटीज़ में से दूसरी प्रायोरिटी यूथ पावर, इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है
हाउ मैनी स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स विल बी सेटअप टू स्किल द यूथ, यानी युवाओं के स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स खोले जाएंगे। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स खोले जाएंगे यूथ को स्किल करने के लिए। बाकी इस यूथ पावर को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो एम्पावरिंग अमृत पीढ़ी, तो सरकार ने जो अभी की पीढ़ी है उसको क्या बोला है, अमृत पीढ़ी। आगे देखते हैं पहला पॉइंट, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, यानी ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी इसमें, इंडस्ट्री पार्टनरशिप, न्यू एज कोर्सेज लाइक AI, रोबोटिक्स, मैकेट्रॉनिक्स, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन्स एटसेट्रा। दूसरा, स्किल इंडिया डिजिटल प्रोग्राम, तो इसमें एक्सपेंडिंग डिजिटल इकोसिस्टम टू इनेबल डिमांड बेस्ड फॉर्मल स्किलिंग, लिंकिंग विद एम्प्लॉयर्स एंड फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम्स। और गवर्नमेंट की हम अब थर्ड प्रायोरिटी देखते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द फिस्कल डेफिसिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24, यानी सन 2023-24 के लिए फिस्कल डेफिसिट क्या रहेगा। तो ये है ऑप्शन बी, 5.9%। तो 2023-24 के लिए फिस्कल डेफिसिट 5.9% रहेगा, और 22-23 के लिए क्या रहा, यह है 6.4%। तो अब इस फाइनेंशियल सेक्टर को हम थोड़ा डिटेल में और देखते हैं। तो यह 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट्स, फिर फिस्कल डेफिसिट ऑफ 3.5% ऑफ CSTP अलाउड फॉर स्टेट्स। थर्ड है, फिस्कल डेफिसिट फॉर 2022-23 इज 6.4%, ये अभी हमने देखा क्वेश्चन में, और 2023-24 के लिए 5.9%, ये भी अभी हमने देखा, और 2025-26 तक टारगेट बनाया गया है कि इसको कम किया जाए और इसको लाकर 4.5% किया जाए। और बजट एस्टीमेट 2023-24, इसमें क्या है, टोटल असीट्स ₹27.2 लाख करोड़, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, रहने का अनुमान है तो ये होगा 45 लाख करोड़, और नेट टैक्स रिसीट्स ये कितनी होंगी, 23.3 लाख करोड़। तो ये फाइनेंशियल सेक्टर से कुछ हाइलाइट्स हैं जो भी हमने देखी। अब है प्रायोरिटी नंबर 4, ग्रीन ग्रोथ। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द टोटल आउटले फॉर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए टोटल कितना बजट आवंटित किया जाएगा, तो ये हो जाएगा 19,700 करोड़। तो 19,700 करोड़ NGHM यानी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए इतना बजट दिया जाएगा। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और इसका टारगेट क्या है, तो ये 2030 तक पूरा करना है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ मिशन PM प्रणाम विल बी लॉन्च्ड टू रिड्यूस द यूज ऑफ, एक मिशन लॉन्च किया जाएगा PM प्रणाम, उसका मकसद क्या होगा, क्या कम करना होगा, तो ये होगा केमिकल फर्टिलाइजर्स। PM प्रणाम स्कीम का, मिशन का जो भी उद्देश्य होगा वो ये होगा कि केमिकल फर्टिलाइजर्स को कम किया जा सके और इसके अल्टरनेटिव जो भी हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके। यानी हमें ये कोशिश करनी होगी कि जितना कम से कम हो सकें उतना हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को कम यूज़ करें और इसके अल्टरनेटिव्स हैं उन पर ध्यान दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, हाउ मैनी न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स अंडर गोवर्धन स्कीम टू बी सेटअप, यानी गोवर्धन स्कीम के अंडर कितने नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स खोले जाएंगे। तो ये खोले जाएंगे 500 नए प्लांट्स खोले जाएंगे गोवर्धन स्कीम के अंडर। तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं हम, गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। तो ये गोवर्धन की फुल फॉर्म है और इसके तहत 500 नए प्लांट्स खोले जाएंगे वेस्ट टू वेल्थ। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अ इनिशिएटिव मिस्टी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये मिस्टी इनिशिएटिव है वो इसमें से किससे संबंधित है। तो ये है मैनग्रोव से संबंधित। तो मिस्टी की फुल फॉर्म क्या है, तो ये है मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। यानी इस मिस्टी स्कीम का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि भारत का जो भी तटीय इलाके हैं उनमें मैनग्रोव की प्लांटेशन की जाए। यानी भारत के जो भी समुद्र तट के इलाके हैं तटीय रेखा पर ज़्यादा से ज़्यादा मैनग्रोव की प्लांटेशन की जा सके। तो अब ग्रीन ग्रोथ में हम आगे देखते हैं, तो इसमें है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम टू बी लॉन्च्ड टू इंसेंटिवाइज सस्टेनेबल एक्शंस। दूसरा है PM प्रणाम टू बी लॉन्च्ड टू इंसेंटिवाइज स्टेट यूनियन टेरिटरीज टू प्रमोट अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स, जो कि अभी हमने देखा कि केमिकल फर्टिलाइजर्स को कम करना है और उसके अल्टरनेटिव उनको बढ़ावा देना है। तीसरा है
500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स टू बी एस्टेब्लिश्ड अंडर गोवर्धन स्कीम। ये भी अभी हमने देखा, 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स को ले जाएंगे गोवर्धन स्कीम के तहत। और चौथा है मिस्टी टू बी टेकन अप फॉर मैनग्रोव प्लांटेशन अलॉन्ग कोस्ट लाइन। ये भी अभी हमने पढ़ा कि मैनग्रोव का प्लांटेशन किया जाएगा भारत के तटीय रेखा पर। और फिर है अमृत सरोवर टू बी इम्प्लीमेंटेड ओवर नेक्स्ट 3 ईयर्स फॉर ऑप्टिमल यूजेज ऑफ वेटलैंड्स। नेक्स्ट प्रायोरिटी है प्रायोरिटी नंबर 5, अनलीशिंग द पोटेंशियल। तो इस प्रायोरिटी के कुछ हाईलाइट्स हैं, वो देखते हैं हम। तो पहला पॉइंट है Phase 3 ऑफ ई कोर्ट्स टू बी लॉन्च्ड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। दूसरा पॉइंट है विवाद से विश्वास फर्स्ट फॉर लेस स्ट्रिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन फॉर MSMEs। थर्ड पॉइंट इज विवाद से विश्वास 2 फॉर ईजियर सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स। फोर्थ पॉइंट इज इनपुट बेस्ड टू रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग फॉर बेटर एलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज। एंड लास्ट पॉइंट इज एंटिटी डिजी लॉकर टू बी सेटअप फॉर बिजनेसेस फॉर सिक्योर ऑनलाइन स्टोरिंग एंड शेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो इस तरह से ये 5 पॉइंट्स हैं। अगली प्रायोरिटी देखते हैं हम, प्रायोरिटी नंबर 6 जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले इज बीइंग इंक्रीज्ड बाय, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आउटले है वो कितने परसेंट बढ़ाया गया है इस बार। तो ये बढ़ा है 33%। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है? तो ये होता है जो भी पैसा सरकार का रोड में, बिल्डिंग, पोर्ट, एयरपोर्ट, इन सब में जो भी पैसा खर्च होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। वो इस बार 33% बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच बजट इज एलोकेटेड फॉर इंडियन रेलवेज, यानी भारतीय रेलवे के लिए इस बार कितना बजट आवंटित किया गया है। तो ये है 2.4 लाख करोड़, यानी 240,000 करोड़ ये बजट इस बार भारतीय रेलवे को आवंटित किया गया है, जो कि अभी तक का भारतीय रेलवे का सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ मेनी लैब्स फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशंस यूजिंग 5G सर्विसेज विल बी सेटअप। तो ये कितने हैं, ये कितने लैब सेटअप किए जाएंगे? तो ये होंगे 100 लैब्स 5G सर्विसेज के लिए सेटअप किए जाएंगे। ये कुछ और हाईलाइटेड पॉइंट हैं इस प्रायोरिटी के। तो ये है इंक्रीज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले बाई 33.4% टू ₹10 लाख करोड़, जो भी अभी हमने देख ही लिया। अगला पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटरीट टू असिस्ट स्टेक होल्डर्स फॉर मोर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगला पॉइंट है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन Tier 2 and 3 सिटीज बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ UIDF। UIDF मतलब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। फोर्थ पॉइंट इज कंटिन्यूएशन ऑफ 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट गवर्नमेंट, जो कि हमने अभी पीछे देखा था। अब देखते हैं प्रायोरिटी नंबर 7 जो कि है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इन बजट 2023-24 श्री अन्न इज रेफर्ड टू विच क्रॉप, यानी श्री अन्न कौन सी क्रॉप को बोला गया है। तो ये बोला गया है मिलेट्स को, मिलेट्स को श्री अन्न बोला गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इंडिया क्या है, ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स है। इंडिया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मिलेट्स का, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम विल बी लॉन्च्ड विद एन आउटले ऑफ रुपीस। आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम कितने रुपये इसमें दिए जाएंगे? तो ये हो जाएगा 2200 करोड़ रुपये। आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे? 2200 करोड़ रुपये, 2200 करोड़। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी न्यू नर्सिंग कॉलेजेस टू बी सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कितने नए नर्सिंग कॉलेजेस खोले जाएंगे केंद्रीय सरकार द्वारा। तो ये खोले जाएंगे 157, ऑप्शन डी, 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस खोले जाएंगे भारतीय सरकार द्वारा इस स्कीम के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाई विच ईयर सिकल सेल एनीमिया बी एलिमिनेटेड, ये एक बीमारी सिकल सेल एनीमिया, ये कौन सी साल तक ख़त्म करने का लक्ष्य है सरकार का? तो ये है 2047 तक। सिकल सेल एनीमिया होता क्या है? अ ब्लड डिसऑर्डर डेथ इफेक्ट्स द शेप ऑफ RBCs, यानी एक ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसमें रेड ब्लड सेल्स इफेक्ट होती हैं। अब देखते हैं हम एलोकेशन फॉर स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज, यानी अलग अलग मंत्रालय के लिए कितना बजट दिया गया है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय को कितना बजट आवंटित किया गया है? तो ये है 5.94 लाख करोड़।
मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इनको कितना दिया गया है 2.70 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को कितना दिया गया है 2.41 लाख करोड़ यानी 2,41,000 करोड़। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इनको कितना दिया गया है तो इस मिनिस्ट्री को मिला है 2.06 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कितना दिया गया है यानी गृह मंत्रालय को तो ये 1.96 लाख करोड़ यानी 1,96,000 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को कितना दिया गया है तो यह 1,78,000 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट कितना है इसमें 1,60,000 करोड़। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इनको कितना दिया गया है 1,25,000 करोड़ यानी 1.25 लाख करोड़। आखिर यह मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस इनको दिया गया है 1.23 लाख करोड़ यानी 1,23,000 करोड़। आगे अब हम देखते हैं कुछ एलोकेशन टू मेजर स्कीम्स यानी कुछ जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं उनके लिए कितना कितना पैसा दिया गया है। तो पहली है डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इसके लिए कितना पैसा दिया गया है 1,250 करोड़, और पिछले साल कितना था ये भी हम देख सकते हैं 100 करोड़। फिर अगला है जल जीवन मिशन, इसके लिए कितना है तो इसके लिए 70,000 करोड़। फिर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, इसके लिए कितना है 5,943 करोड़। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बढ़ा दिया गया है और बढ़ाकर 79,500 करोड़ कर दिया गया है यानी 79,590 करोड़। और अगला है स्कीम फॉर फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, तो इसके लिए कितना है आवंटित किया गया है तो यह 5,172 करोड़। अगला है नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, तो इस स्कीम के लिए कितना दिया गया है तो यह 2,491 करोड़। आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।